ये गाड़ी पे स्क्रैच मारा इतना बड़ा, ये गाड़ी पे स्क्रैच मारा, देखो इतना बड़ा दिख रहा है ना स्क्रैच, ठीक है। और ऐसे ये देखो, ऐसे ये देखो, ये पूरी लाइन मारी दबा के डंडे से। रियल भांजा पूरी मसाज करती, चलते फिरते मुझे लेती। तुम अभी भी होती ना इसलिए, तुम्हारा अलग, तुम्हारे को वो दी जाती, क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट दी जाती। गाइस अभी आपको चीज बताता हूं मैं, गाइस अभी आपको चीज बताता हूं, बढ़िया सी, मतलब ना, मतलब मजा आ जाएगा आपको सुन के, गारंटी है। यूके में कोई नूर ढूंढती, लेकिन मामा जी ने तो आगरा में कोई नूर छुपाई होती। भाई साहब वाला हबीबी, गुड मॉर्निंग होती तुम सारा, कैसी होती आज भैया की आवाज सही हो जाती। आज मेरी आवाज ठीक हो जाती भगवान की दुआ से, आज मेरी आवाज ठीक होती तो हम व्लॉगिंग करती। भगवान हबीबी होके भगवान का नाम लेती? अरे हाँ, हम भगवान का नाम लेती, क्योंकि हबीबी होती हम असली में तो हबीबी नहीं होती, हम अभी चैलेंज करती आज ना इन्हें। गाइस मैं आपको बताता हूँ, अभी थोड़ा सा आपको बताता हूँ मैं, इन्होंने मुझे चैलेंज दिया है कि आज हबीबी व्लॉग करते हैं हम सब, तो आज पूरा दिन हम अभी भी ब्लॉग करेंगे और देखते हैं उसका रिस्पॉन्स आप लोगों को कैसा मिलता है। बहुत सारा पीती और हमको ना तीन चार दिन से बोल रहे हैं, हमको पूरी आदत पड़ गई भाई साहब, कल आइसक्रीम खाने गए ना रात को, तो हम उसको जाती होती बोलती, ये देखो ये हमारा तेल का कुआं बेच देती। घूमने जाती, अभी हम घूमने, हम सारे तैयार होती देखती, मम्मी तैयार होती, मामी जी भी तैयार होती, उनका बिजनेस की बात चल रही होती, ये सारा भी तैयार होती, हम घूमने जाती, करोलबाग जाती, करोलबाग कुआं वाला का बीवी होती, वो बिजनेस करती, वो कुआं वाला का बीवी होती भाई, हलवा बीवी है, बहुत अमीर होती उसका हबीबी, उसका हबीबी। तो अभी हम सारे के सारे तैयार हो गए, करोलबाग जाती, करोलबाग में शॉपिंग करती, इनको छोले भटूरे खिलाती, बढ़िया बढ़िया टिक्की खिलाती और तुम सबको भी दिखाती। ओ मामा जी, तुम्हारा फोन की बात खत्म होती कि नहीं होती? होती होती, तो तैयार होती, चलती तैयार होती, हम तो देखती मामा जी सुंदर सुंदर स्मार्ट स्मार्ट बॉय बनती, तो अब हम जाती करोलबाग और वहाँ जाके तुम्हें दिखाती। तो गाइस फाइनली सारे हम रेडी हो गए निकलने के लिए, तो हम निकल रहे हैं और हम कहाँ जाती? करोलबाग मार्केट जाती, चलती घर से निकलती तभी तो पहुँचती, टाइम देखती 1 बजे तो घर से निकलती। गाइस एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, देखो मेरे मामा जी की ब्रांड न्यू गाड़ी, देखो देखो ये दिख रहा है, ये पूरा स्क्रैच मारा है, ठीक है, और भी बहुत जगह स्क्रैच मारा है, देखो ये स्क्रैच मारे हैं सारे, ठीक है जी, ये देखो ये स्क्रैच मारे हैं, ये स्क्रैच मारे हैं, ये गाड़ी पे स्क्रैच मारे हैं, और मैं दिखाता हूँ आपको, देखना और मैं दिखाता हूँ आपको, देखो ये देखो ये गाड़ी पे स्क्रैच मारा इतना बड़ा, ये गाड़ी पे स्क्रैच मारा, देखो इतना बड़ा दिख रहा है ना स्क्रैच, ठीक है। और ऐसे ये देखो, ऐसे ही देखो, ये पूरी लाइन मारी दबा के डंडे से, और नीचे नीचे, और ये देखो गाइस ये मारा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको एक चीज़, देखो गाइस 2 दिन पहले ना जब मामा जी मेरे घर पे आए थे ना, तो हमारे एक ये दुकान है, इस दुकान में ना किराए पे एक बंदा है भाई, वो पागल सनकी सा है, उसने मेरी बाइक की नंबर प्लेट तोड़ी थी, ठीक है, लेकिन उस टाइम रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाई थी। अभी ये भैया आए हैं मेरे को रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, भाई हमें पूरा प्रूफ मिल गया है, उसने दुकान में जगाया, जाने से पहले डंडा निकाला, उसने पूरी गाड़ी में स्क्रैच मारा, अभी मैं आपको रिकॉर्डिंग भी डालूंगा देखना, और अभी मैं इसके खिलाफ करा रहा हूँ FIR। तो गाइस अभी ना हमने रिकॉर्डिंग से, आपने रिकॉर्डिंग देखी तो उसमें साफ दिख रहा है कि भाई बंदा पहले डंडे से मार के गया, उसके बाद जब वो शटर बंद करा उसने, शटर बंद करते टाइम चाबी से मार के गया, और वो चाबी से जो मारा है ना उसने, वो वाला स्क्रैच बहुत ज़्यादा हार्ड मारे हैं उसने, मतलब कि पूरा पूरा पेंट ही उसने खराब कर दिया है। अब यार बताओ एक बात, अब मेरे मामा जी मेरे घर पर आए हैं, अब कोई बंदा किसी के रिश्तेदार घर पर आता है, अब क्या ये निशानी लेके जाएंगे मेरे घर से कि भाई दिल्ली गया था और दिल्ली में बंदे ने गाड़ियों पर स्क्रैच मार दी, दिल्ली वाले तो बेकार है यार, समझ नहीं आती लोगों को क्या मिलता है। अभी मैंने ना उसके मकान मालिक को बुलाया, मकान मालिक आने वाला, मकान मालिक कह रहा है पहले FIR मत कराओ, मैं आऊँगा, मैं भर दूंगा सारा, क्या बोलते हो मुआवजा, तो एक बार मकान मालिक को आन दो, उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। अभी रिकॉर्डिंग सारी देख ली है, अब मामा जी का फेस देखो बेचारे, मामा जी का फेस पूरा उतर गया, इतना मूड खराब हो रहा ना मामा जी का, इतना ज़्यादा मूड खराब है यार, 18.5 लाख 19 लाख की गाड़ी ली है मामा जी ने, अभी ब्रांड न्यू, मुश्किल से 2 महीने हुए यार गाड़ी को लिया यार, और ऐसा बुरा हाल हुआ ना गाड़ी का, मतलब यार सामने से देखो ना आपका खून जल जाएगा देख करके यार, ब्रांड न्यू गाड़ी पे ऐसे स्क्रैच पड़े हैं पूरी गाड़ी पे, और मतलब पूरी गाड़ी हमारे यही नहीं एक जगह मार दिया, मतलब पूरी गाड़ी पे उसने स्क्रैच मार दिया बुरी तरीके से। तो अभी बस हम उसके मालिक मकान मालिक का वेट कर रहे हैं, उसके मकान मालिक आ जाए फिर हम देखते हैं क्या कार्रवाई होती है, जैसे जो सख्त कार्रवाई होगी ना भाई, जो हमारे लिए बेस्ट रहेगी हम तो उसके हिसाब से चलेंगे भाई। तो गाइस हम सबका मूड बहुत खराब होती,
लेकिन अब क्या करती, मामा जी आती इनको घुमाने भी जाती तो अभी इनको हम करोल बाग लेके जाती और छोले भटूरे को तो लगता है प्लान कैंसिल हो जाती है कि छोले भटूरे इस टाइम तक नहीं मिलती। अब जाती और छोले जाके टिक्की खिलाती। तो भाई सही मामा जी को सबसे पहले हम ले आए हैं ओम भटूरे वाले पे, जो मैंने वीडियो बनाई थी ना सबसे बेस्ट छोले भटूरे, तो भाई वहीं पर मामा जी को ले आए हैं और अभी सारे खा रहे हैं। भाई सुबह से हमने कुछ नहीं खाया और देखो उस कार्ड के कारण 4 बज गए हमारे को, अब हमारा समझ लो ब्रेकफास्ट हो रहा है। तो भाई अभी सभी खा रहे हैं, मैं अभी साथ में खाता हूँ। तो गाइस अभी हम लोगों ने छोला भटूरा खा लेती और उसके बाद हम मामा जी को लेके आती सिंधी कॉर्नर पे, चाट वाले पे सिंधी कॉर्नर पे। और ये हमारे यहाँ की बहुत मशहूर दुकान होती है, इसकी चिक्की इतनी बढ़िया होती है, एक नंबर होती है। तो अभी हम इनको ट्रेस कराते हैं, हम खाएंगे और उसके बाद उसका रिव्यू देंगे कि कैसी। नहीं नहीं देंगे रिव्यू, देती हम रिव्यू देती। अरे रिव्यू चलन खुद भूल जाती, खुद ने चलन देती खुद भूल जाती, क्या बंदा होती, सॉरी होती, बंदी होती, हमारी भी जुबान लड़खड़ाती। हाँ जी ये हर्ट शेप की टिक्की होती और खाना ही बहुत क्रिस्पी होती, टेस्टी होती, खा के देखती। तो गाइस मामा जी और इनको टिक्की पसंद आई, टिक्की इन्होंने खा ली है, अब ये खा रहे हैं गुलगप्पे। गाइस देखो ये बिल्कुल मम्मी पे गई है, देखो इसने भी ना ये गुलगप्पा पहले हाफ तोड़ा है, हाफ खाया उसके बाद पूरा खाएगी, ऐसा खाती फिर तुम बोलती मेरी बेइज्जती करती। तुम्हारे में छाला वाली होती तो ये क्या तुम गुलगप्पे का माजना काटती, क्या करती, इसलिए ऐसे खाती। तो गाइस अभी ना हम टिक्की वगैरह खा के आ गए सिंधी वाले से, हमने वहाँ से रिक्शा किया और अब हम आए करोल बाग मार्केट में घूमने के लिए। तो मामा जी आते ही परेशान हो गए कि मामा जी वगैरह ने शॉपिंग वाइज स्टार्ट कर दी है। तो अब बस हम लोग हम सारे जेंट्स ना देखो हम सारे जेंट्स बाहर खड़े हैं ऐसे ही और वेट करेंगे इनका, कितने घंटे पता नहीं शॉपिंग चलती है इनकी, कुछ नहीं पता होती। गाइस देखो मामा जी ना मार्केट में थक गए हैं तो भाई ना मामा जी की मसाज कर रहा है, तुमको मजा आती, मजा आती, नींद आती, थोड़ी नींद भी आती, रिलैक्स करती, तो मार्केट में क्यों आती। और मामी जी ने शॉपिंग स्टार्ट कर दी है, मामी जी ले रहे हैं ये अपने कुछ उसके सोफे के लिए कुशन कवर, मामी जी को वैसे ये वाला पसंद आ रहा है ये वाला, तो हम 10 चाहिए मामी जी को, तो हम 10 के रेट डिसाइड कर रहे हैं। भाई बार्गेनिंग बहुत ज़रूरी होती है ना, हम इंडियन होती पता कैसे लगती मामा जी, इंडिया में बार्गेनिंग कितनी ज़रूरी होती है, बार्गेनिंग बहुत ज़रूरी होती है वरना सामान आपको महंगा मिलता, तो बार्गेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। हाँ ये पहले ज़्यादा बताती है, बार्गेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। हाँ भाई बार्गेनिंग जरूर करें, करोल बाग मार्केट या लाजपत नगर मार्केट, ऐसे मार्केट में जाओ कभी तो बार्गेनिंग जरूर करते हैं, बार्गेनिंग के बिना मजा नहीं आती। भाई मामा जी ने ये वाले लिए हैं और तनीषा को ना ये पसंद आ रहे थे, तो ना हमने वोटिंग करी कि कौन सा पसंद आना है, तो भाई सबने वोटिंग करी उस वाले के लिए जो अपने पैक पन्नी है पैक करा ले, तनीषा अकेली इसके लिए वोट करती। हाँ रियल भांजा पूरी मसाज करती, चलते फिरते मुझे लेती, तुम अभी भी होती ना इसलिए तुम्हारा अलग, तुम्हारे को वो दी जाती क्या बोलते हैं ट्रीटमेंट दी जाती। तो गाइस हम मार्केट घूमते घूमते मामा जी को रोशन दी कुल्फी वाले पे ले आया हूँ, जहाँ मैंने लिया है बादाम मिल्क, मामा जी ने लिया फलूदा आइसक्रीम और भाई ने भी लिया है बादाम मिल्क और मामी जी के लिए लिया लस्सी। और तरुण तूने क्या लिया है, तूने क्या लिया है, तरुण ने लिया अपनी फेवरेट रबड़ी, खाती खा के बताती कैसी होती, अच्छी होती, ये बहुत फेमस दुकान होती। तो गाइस अभी हम लोग ना सारे मार्केट घूम रहे हैं और भाई थक चुके हैं क्योंकि भाई गर्मी एक तो बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा, और चल चल के ना हालत ख़राब होती, इसलिए मैंने बाल भी बांध लिए थे। ये देखो ये बाल खोल के आई थी, पूरा बाल बांध लिए इसने, थक गए भाई पूरा। अब मामा जी कह रहे बस चलो बहुत घूम लिया अपनी, घूमना भाई चलो बहुत हो गया। तो गाइस ये देखो सारे थके आ रहे बैठे हैं, अभी हम इसलिए यहाँ बैठ गए क्योंकि ना तरुण लेके गया है तनीषा को सैंडल दिलाने के लिए, जहाँ माल देते हैं ना सैंडल देते हैं, तो वहाँ से तरुण दिलाने गया सैंडल तनीषा को, तो बस अभी फिर वो आता है और फिर उसके बाद भाई यहाँ से निकलते हैं, थक गए बहुत ज़्यादा अब तो हम। भाई कुणाल के साथ घूमने मत आना, खिला खिला के चला चला के थका देगा, अब हमारी हालत ऐसी हो गई है। एक बात बताओ भाई, जब मैं आगरा गया था आपने देखा मैंने कितना खाया, कितना खाया, मामा जी ने मुझे इतना खिलाया ना, और भाई मैंने तो उसके मुकाबले 10% भी नहीं खिलाया इनको, और ये तो हाफ गए खा खा के हाफ गए, ऐसा क्या खिला दिया, कुछ भी नहीं खाया। ये देखो इनके हाथ जुड़ गए, ये दिल्ली आने में डरती है अब, कहीं दिल्ली नहीं आई, दिल्ली वाला बहुत खिलाती यार, क्या कमाल की बात करती। तो गाइस अभी ना हम शॉपिंग वगैरह करके आ गए हैं और भाई फाइनली गाड़ी में बैठ गए हैं और गाड़ी में हमारे को बिठाया उल्टा, ही देखो डिग्गी में ये सारे बैठे आगे और हमारे को हमारे साथ अत्याचार करती, हमारे को डिग्गी में बिठाती, इतने बड़े बड़े आदमी डिग्गी में कैसे बैठती बताओ, वही तो, लेकिन कोई नहीं, हम एडजस्ट करती, हम दुबई का शेख होती, हम दुबई का अमीर शेख होती, हमारे को डिग्गी में बिठाती हमारे क्या होगा। तो गाइस अभी ना हम लोग करोल बाग घूम के आ गए हैं और अभी ना वो जिसने हमारे गाड़ी में स्क्रैच मारा था ना भाई, उसके पेरेंट्स आने वाले हैं, तो अभी देखते हैं हम क्या बात होती है, जैसा भी होगा मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊंगा। तो गाइस जैसे हमने देखा था ना मॉर्निंग में कि वो लड़के ने हमारी गाड़ी पे स्क्रैच वगैरह मारे थे, काफी ज्यादा नुकसान हुआ था हमारा, तो उस लड़के के ना पेरेंट्स भी आए थे, वो लड़के के साथ आए थे और उन्होंने भी काफी स्क्रैच देखे, उनको भी ना काफी दुख हो रहा था, मतलब अंकल आंटी ना बाहर बहुत सही थे, मतलब सही तो मतलब क्या, मतलब जैसे ना माँ होते हैं नॉर्मल अपना बोले से वाले से वैसे थे उसके माँ भी, लड़का वो थोड़ा वैसा ही है, लेकिन ना उसके माँ से हमारी बात हुई, उसके माँ बाप ने कहा है
कि आप नॉन इंश्योरेंस में इसको करा लो, क्योंकि अगर हम इंश्योरेंस में कराएंगे ना इसको तो हमारे को नॉन क्लेम बोनस जो होता है ना वो हमारा आगे से हमारे को नहीं मिलेगा 3 साल के लिए। तो इसलिए उसके फादर, उसका भी काम इंश्योरेंस का ही है तो उसके फादर को पता है, तो इसलिए उसके फादर ने बोला कि आप करा लो इसको नॉन इंश्योरेंस में और जो भी खर्चा आएगा ना आपका वो हम पे करेंगे। और उसके फादर से हमने रिटर्न में ले लिया है और आधार कार्ड वगैरह जो डॉक्यूमेंटेशन भी की होती है मैंने पुलिस में एसओ साहब से बात कर ली थी, उन्होंने ना पूरा मेरे को बोल दिया कि हाँ भाई ये ले लो इस तरीके से ले लो। तो मतलब काफ़ी हमारी वो हो गई है। अब ये है कि मामा जी अब आगरा जाएंगे और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और जैसा भी होगा फिर हम आपको आगे बताएंगे। तो गाइस आज ना मदर्स डे है और मदर्स डे के ना मेरे मम्मी के लिए केक कटवाना था, केक वगैरह लेके नहीं आए हम लोग, पूरा दिन बिजी हो गए तो अभी आए थे हम केक पॉइंट पर, केक पॉइंट पर आए थे और हमने केक ले लिया है। मैं केक आपको केक लेके हम जा रहे हैं घर पे और घर जाके फिर मैं दिखाऊंगा कौन सा केक लिया हमने आपको, ठीक है अभी चलते हैं। तो गाइस मम्मी और मामी के लिए जो हम केक लेके आए हैं ना मैं वो आपको दिखा दूँ, देखो कितना सुंदर केक लाए हैं, मतलब सिंपल और एलिगेंट सा केक लाए हैं, चॉको चिप फ्लेवर लाए हैं, मैं दिखा दूँ आपको। गाइस देखो ये केक लाए हम, ये है चॉको चिप फ्लेवर और सिंपल सा केक है, मतलब एलिगेंट सा, बहुत सुंदर लग रहा है बहुत ज़्यादा। अभी कटिंग करेंगे तो फिर मैं ब्लॉग में डालूंगा। गाइस अभी आपको चीज़ बताता हूँ मैं, गाइस अभी आपको चीज़ बताता हूँ बढ़िया सी, मतलब ना मतलब मज़ा आ जाएगा आपको सुन के, गारंटी है। अभी रस्ते में ना ये क्या हुआ, थोड़ा ना ये इमोशनल हो रही थी इसका, क्योंकि ना एक्चुअली कले लोग जा रहे हैं थोड़ा इमोशनल हो रही थी ये, तो ना अभी तो हट जाए यार, तो ना ये इमोशनल हो रही थी। तो क्या हुआ कि ना इसने ना छींक मारी और रो रही थी बहुत ज्यादा, मैंने स्कूटी रोकी, मैंने कहा यार स्कूटी रोके चुप कराऊ, बहन रोती अच्छी लगती, मैं चुप कराया उसने छींक मारी, इसकी ना ऐसे नॉक भाई, इसने कहा मेरी ना सारी टी शर्ट पूछा की पोछ देती, हाय हाय इतना गंदा बंदी होती है, इतना मूड खराब करती मेरा, गंदा करती इतना घिनौना काम करती ना, हमको प्योर घिन आती देख कर, हम उल्टी नहीं कर पाती इतना होती बस। गाइस देखो 10 बजे 17 मिनट हो रहे ना भाई, दुनिया के घरों में इस टाइम पे डिनर की मतलब बन चुका होता है, डिनर खाना होता है और हमारे घर में देखो क्या हो रहा है, ये देखो इस टाइम देखो और इनका देखो ये इस टाइम ये भाई साहब खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं, चिकन पैरी पैरी बनती साथ में बिरयानी बनती, तुम्हारा ऑर्डर 9:30 बजे आती है, चिकन पैरी पैरी बनाती, हमारा मन नहीं करती चिकन नहीं मिलती, हाँ तुम हमको चिकन लाके देर से देती, हमारी गलती होती, पापा ने लेट ऑर्डर देती। तो गाइस देखो यहाँ पर चिकन बिरयानी चढ़ी हुई है, यहाँ मामी जी वो जो खाते ना जहरीला चिकन मामी जी घर पे चिकन पैरी पैरी वो बना रहे हैं मामी जी इस टाइम। तो भाई अभी कब बनता है कब खाते हैं वो सब दिखाऊंगा आपको ब्लॉग में, अभी तो केक कटिंग भी करनी है आज हमने। गाइस मैंने दिखाया था ना आपको कि मामा जी ये दाल मोट लेके आए थे हमारे लिए, भाई देखो इसके अंदर काजू बादाम तो इतना ज्यादा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ड्राई फ्रूट है ये सही में, मतलब एक बार ही मेरे को ऐसा लगा कि ये भाई नमकीन है, मतलब इतना ड्राई फ्रूट इसके अंदर, वो मुन्ना लाल पेठे वाले के यहां गए थे ना उसी के, हां ये मुन्ना लाल पेठे वाले की है भाई वहां पर आगरा में, ये बहुत फेमस है। और देखो ना आप देखो इतनी नमकीन लिए मैंने जरा सी, और काजू बादाम भर भर के होती, भर भर के दाल मोट है ही नहीं इसमें, जबकि काजू बादाम ज्यादा होती दाल मोट कम होती, जबकि ये नमकीन होती। गाइस देखो ये बुआ भतीजे क्या कर रहे हैं, बर्फ का खेल खेल रहे हैं, बर्फ ना आइस क्यूब लाए उससे ना एक दूसरे के कपड़ों में डाल रहे हैं, और ये देखो इसकी बर्फ से मसाज चल रही है पुज्जू की, और यहाँ कर दो यहाँ कर यहाँ कर इसके ऐप दिखा इसके ऐप, मामी जी की भी डाल दी तरुण ने, ये देखो ये बिरयानी बनाई है मामी जी ने, और भाई ये ना जो मामी जी ने बिरयानी बनाई है ना, तो गाइस ये बिरयानी ना मामी जी ने बनाई है, परसों हमने चिकन बनाया था भाई तो उसमें ना चिकन बहुत सारा बच गया था, तो उसमें ना उस चिकन की मामी जी ने बिरयानी बनाई है और भाई इतनी टेस्टी बनी है ना, मतलब हमने मटन बना लिया था यार, मतलब मैंने एक और खाया ना अब रुका नहीं जा रहा भाई साहब, इतनी ज्यादा टेस्टी है ना, मतलब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, सही में यार मामी जी के हाथ में जादू होती, हमको मजा आती। इंडिया की सरकार इंडिया वाली लोग यूके में कोहिनूर ढूंढती, लेकिन मामा जी ने तो आगरा में कोहिनूर छुपाई होती, भाई साहब इतना टेस्टी बिरयानी बनाती, मैं कहती मजा आती, वाकई मजा आती, अरे भाई साहब छूटने का छोड़ने का मन ही नहीं करती। गाइस देखो मामी जी ने बनाया पैरी पैरी चिकन, जहरीला चिकन, भाई साहब देखने में मजा आती, अब मैं खाऊंगा इसको। तो गाइस अभी मदर्स डे के लिए हम केक लाए थे ना भाई, वो ये केक है मैंने जैसे आपको दिखाया ना, तो अब बस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मदर्स डे, और यहाँ पर मम्मी और मामी जी दोनों बैठ गए हैं, मामा जी भी बैठ गए, लेकिन मामा जी को नींद आ रही, देखो मामा जी सो गए हैं, अरे वीडियो तो बनवाती कम से कम व्लॉग तो करती पूरा, इतने का नींद आती, बाल सही करती, और मामी जी और मम्मी जी की केक आती, आप कैसा केक लगती, बहुत सुंदर केक लगती। ये हम दोनों की होती, थैंक यू सो मच गाइस, ये केक हम दोनों की चॉइस होती, हम दोनों करते, थैंक यू सो मच, पसंद आती ना, बहुत सुंदर, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, अबे हैप्पी मदर्स डे होती, हैप्पी मदर्स डे, मदर्स डे होती, मदर्स डे बर्थडे नहीं होती। डियर सोनिया, और गाइस बता आपको
दोनों ही सोनिया होती, हमारी दोनों मम्मी सोनिया होती, सेम नाम की होती। हैप्पी मदर्स डे। इधर देखती, इधर देखती। थैंक यू। इधर देखती, इधर देखती। फोटो भी देखती। मामा जी को खिलाती। और गाइस देखना वो कैसे हो गया, गुज्जू कैसे हो रहा, देखना मजा आती। केक अच्छा होती, सही होती, फ्रेश, हमको भी खिलाती, हम भी देखती, हम भूखा होती। केक भी तो केक अच्छा लगी। तो गाइस ये देखो पीछे मम्मी पापा को खिलाती हुई, और हम दोनों की चॉइस थी केक की। और भाई फाइनली मामी जी और मम्मी जी को केक बहुत पसंद आया, और केक बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ज्यादा। चलो मैं इसकी पीस करके खिलाती हूं। तो ये हमें गिफ्ट मिलती हमारे बच्चों की तरफ से, ये सुंदर सुंदर गिफ्ट मिलती, ये चॉकलेट मिलती, बहुत टेस्टी होती। जो ये चॉकलेट कल बच्चों ने हमें 12 बजे विश करके दिया, बैग भी 12 बजे दिया था मम्मी जी। मतलब चॉकलेट तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं खोल चुकी हूँ। और मामी जी एक गलती हो गई हमसे, मम्मी आपको तो गिफ्ट दे दिया, मैंने मम्मी को गिफ्ट नहीं दिया, मम्मी के लिए गिफ्ट लेना भूल गया यार। अब मम्मी को कल गिफ्ट देगी लेकर। ठीक है मामा जी, केक अच्छा होती, पसंद आती। तो गाइस ये केक के ऊपर क्राउन आया था ना, हमने इसको थोड़ा वॉश कर लिया, और अब ये मामी जी पहनेंगे हमारी, और मम्मी पहनेंगे, एक एक बार दोनों पहनेंगे, हम दोनों की फोटो क्लिक करेंगे। कोई बात नहीं। वाह भाई वाह, मामी जी तुम परी लगती, बहुत सुंदर लगती। अब मम्मी आप पहनती, आप पहनती, ये गाड़ी दिखाती, मेरा फोटो तुम मेरे से लेती। हम अपनी सिस्टर इन लॉ को देती। ओहो चमचमाती, सुंदर चमचमाती भाई साहब। थैंक यू। मिस वर्ल्ड होती, मिस वर्ल्ड होती। अब फटाफट केक काटती हूं। गाइस देखो मेरी कजन है तनीषा, उसने मेरा ये किया, तो हमने बदले में क्या करती, ये देखती तुम इसका हाल देखती, इसके मुंह पे पूरी ब्लीच करती हम, तो कितना सुंदर लगती ये, बहुत बहुत हॉट होती गाइस, बहुत हॉट होती, इसका मेकअप बहुत थी पूरा। तुम्हें कैसा लगती है, कैसे कैसे जीभ से निकालती है, बाल मुंह में घुसाती गाइस, देखती इसको गाइस। अब ना मुझसे पंगा लेने से पहले 100 बार सोचेगी तो भाई, पक्की है बात, तो पक्की है भाई, मैं चुपचाप है गंदी। गाइस रात के ना 2 बज रहे हैं, और हम लोगों को देखो, हम लोग तंबोला खेल रहे हैं भाई साहब, देखो, और देखो सारे तंबोला खेल रहे हैं, और सबसे पहले अर्ली 11 मेरा हुआ है, मेरे अच्छे नंबर आती आज, तो अभी देखती कौन जीतती। भाई ये देखो ये मेरी पर्ची, ये तनीषा की पर्ची, और ये मम्मी की पर्ची, भाई साहब हम में से कोई नहीं जीतती, जबकि अर्ली 11 मेरा हुआ सबसे पहले। भाई मामी जी की पर्ची देखो, ये एक नंबर की जुआरी औरत होती, ये किटी 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 पार्टी में जाती, और भाई साहब खूब जुआ जीतती। कितने रुपये जीतती, हिसाब लगाती अपना, हिसाब लगाती भाई, तुम हिसाब सुनती अभी, 40 60 अस्सी और पचास, 30 130 गाइस की होती है, 120 होती गाइस, 150 रुपए का मैच होती, 120 तो अकेली औरत जीतती, तो हम तो कंगली होती गाइस। ये देखो मेरी पर्ची देख रहे हो, ठीक है, और भाई साहब मम्मी तो पस्त हो गए, लेट गई मम्मी के हौसले खस्त हो गए, क्योंकि मामी जी इस गेम में कितने रुपए जीता मैं, 140 गाइस, हाईएस्ट जीत गया मैं 140 इस गेम में। ये गेम तो भाई क्या निकलती भाई, एक नंबर की गेम होती, मजा आती भाई साहब, भाई साहब इतनी जल्दी मैंने अर्ली 11 भी हो गए मेरे, कॉर्नर भी हो गए मेरे, है ना, लाइन से सारी लाइन्स मेरी हुई, हाउसफुल मेरा हुआ, सब कुछ मेरा हुआ, मतलब मजा आ गया, सही बता रहा हूँ, गेम के लिए स्वाद ही आ गया। तुम 1 रुपये भी नहीं जीतती इस बार, तो हम पर्ची भगवान जय माता दी लिखती, और जय माता दी कमाल करती। तो गाइज अभी ना हमारी तबोला गेम खत्म हो गई है भाई, और तीनों गेमों में सबसे हाईएस्ट विन रही मेरी, मैं तीनों गेमों में मिलाकर जीता 270, इतना मजा आया ना भाई, सही बता रहा हूँ। लेकिन अभी तो तारीफ के लायक हुई तारीफ, गाइस जलती हमसे, गाइस जलती हम जैले सर होती। तो गाइस अभी मैं ब्लॉग को ख़त्म करता हूँ यहीं पर, अगर आज का ब्लॉग पसंद आया ना तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल कुणाल के ब्लॉग्स। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।